बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। शाम का टाइम है और मौसम काफ़ी अच्छा है, और आज सुबह से काफ़ी बिजी डे गुजरा है और टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का, सो इसलिए अब हम बना रहे हैं शाम के टाइम व्लॉग। और चले स्टार्ट करती हूँ मैं अपना आज का व्लॉग। हादी देखो जरा, कितना प्यारा मौसम है ना। काफ़ी प्यारा मौसम है। मेरे का आज छत पे चलते हैं और जाके ऊपर व्लॉग शूट करते हैं। आवाज़ थोड़ी बदली सी है मेरी, है ना। गला खराब है, गला खराब है, नज़ला जुकाम है। बुखार तो पहले, बुखार तो शुक्र करो हट गए, लेकिन नज़ला जुकाम है थोड़ा सा। और मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ठंडा मौसम है। मुझे तो लगता है कि बारिश आएगी, है ना। हाँ, काफ़ी ठंडा मौसम है। और आज हमने दोपहर के खाने में जो है ना दाल बनाई थी और मशरूम की दाल बनाई थी। और अभी तो स्कूल की टाइमिंग भी ज़रा चेंज हो गई है, लेट की टाइमिंग होगी। अगर रमज़ान की वजह से जो था वो कम टाइमिंग थी, है ना। थोड़ा लेट हो गया, बस स्कूल से आते हैं और सुबह टाइम ब्लॉग शूट करना होता है, बस टाइम ही लगता तो कभी बन जाता है कभी नहीं बनता। और उसके बाद में खाना वगैरह खाना होता है, फिर एकेडमी के बच्चे आ जाते हैं, फिर अब मेरे का फारग हुए, अब क्यों ना व्लॉग वगैरह शूट कर लेते हैं। और क्योंकि मौसम भी ज़रा ठंडा है तो ऊपर जाके शूट करते हैं। और आज जो है हमने मोहम्मद जुमान की जो है वो टिंट करवा दी है, बाल वगैरह उसके कटवा दिए, काफ़ी बड़े बाल हुए थे सारे, आगे ना आँखों में आ रहे थे उसके सारे बाल, तो मोहम्मद जुमान के बाल कटवा दिए। और आयत को भी फिर भी इसने घर का खाना जो है वो शुरू कर दिया है ना। हाँ, थोड़ा ठीक हुई है, ठीक हुई है, ब्रेड वगैरह खा लेती है। और सुबह जो है मैं इसको लंच भी देती हूँ स्कूल के लिए, ब्रेड होती है और साथ में जो है अंडा भी बना देती है, तो उसमें से आधा खा लेती है आधा छोड़ देती है, साथ बादाम वगैरह होते हैं। और आज अम्मी ने थोड़ा सा पराठा भी दिया था इसको, आयत को वो इसने खाया, वो पराठा खा लिया और ब्रेड इसने छोड़ दी। अभी देखो खेल रहे हैं मशीन के साथ, अभी खेल रही है आयत, ऐसे नहीं देखे। अभी नूर और आयत जो है दोनों खेल रही है और माशाल्लाह से मौसम जो है वो भी बड़ा प्यारा है। ये तो है, सारी सी बात है, कौन सा कोई फ्री होता है, बिल्कुल सारे अपने अपने कामों में मशगूल है। ईद पे भी काफी एंजॉय किया, हादी तुमने एंजॉय किए? हाँ, काफी एंजॉय किया है, काफी मजा आया है फैमिली के साथ। हाँ, पहले दिन तो सारे वो मेहमान वगैरह आए हुए थे, आपकी आई हुई थी, भांजी वगैरह आई हुई थी, काफी मजा आया, काफी हल्ला गुल्ला घर में लगा हुआ था। और दूसरे दिन फिर आपकी की तरफ दावत थी। और थर्ड डे जो था वो हम लोग थोड़ा सैर वगैरह करने गए थे उमैर के साथ, काफ़ी मज़ा आया, ईद माशाल्लाह से अच्छी गुजर गई। और सेकंड डे हम गए थे होटल, आप ही ने हमारी दावत की थी, और वो होटल काफ़ी अच्छा था, वहाँ का मेन्यू भी अच्छा था, माहौल भी ज़रा साफ सुथरा था। हाँ, लेकिन वहाँ पे फिर हम लोग गए थे, वहाँ पे फास्ट फूड नहीं था। अच्छा, वो कह रहे थे फास्ट फूड नहीं है, वो हम रमज़ान के बाद स्टार्ट करेंगे। अच्छी नहीं है, रमज़ान की वजह से बंद किया हुआ था तो शुरू करें। अच्छा, बाकी खाना वगैरह अच्छा था वैसे उनका, काफ़ी अच्छा होता है। और वैसे भी डेकोरेट काफ़ी वो किया हुआ है, काफ़ी मतलब प्यारा है वो। प्राइस भी तो ज़्यादा है, खाना भी बहुत महंगा वो चार्ज करते हैं। हाँ, ये तो है। और हादिया भी मैं सोच रही हूँ कि शाम का टाइम है और आयत को जो है चिप्स वगैरह बना देती हूँ। अच्छा, आलू जो है वो फ्राई कर देती हूँ, इसको फिंगर चिप्स काट के ना। अच्छा, वो वैसे फ्राई कर देते हैं, तो अम्मी जी से मैंने कहा है, तो अम्मी जी जो है वो अभी नीचे चलते हैं अम्मी जी के पास, और अम्मी जी जो है आलू वगैरह काट के नाश्ता वो सॉरी चिप्स वगैरह फ्राई करके देती है, तो चलते हैं नीचे। आयत आ जाओ, चलो बच्चों नीचे चलो। हरिदार बच्चे नीचे जा रहे हैं, मैं भी नीचे चलती हूँ। ये देखिए जुहान को, ओहो जुहान के साथ ये क्या हो गया, है ना? जुहान के साथ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया जुहान के साथ, जुहान की तो टिंड हो गई, जुहान की तो टिंड हो गई है, है ना? टिंड में वो पहचाना ही नहीं जा रहा। ऐसे हुआ है, मैं स्कूल गई हुई थी तो उमेर घर पे थे, तो अम्मी जी ने उमेर से कहा कि इसकी टिंड करवा दो, तो बाल काफी बड़े हुए हैं,
तो मैंने अटेंड करवा दी. जब मैं स्कूल से वापस आई हूँ तो मैं देख के हैरान है कि मेरे कहा ये जुहान है, इसकी तो टिंड हो गई है, है ना, है ना जुहान. ये देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो दिखाओ दिखाओ. अस्सलाम वालेकुम कर दो सब्सक्राइबर्स को. तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम काम कर दो जी, अस्सलाम वालेकुम कर दो. अम्मी जी माशाल्लाह से मौसम कितना प्यारा है ना, बहुत ही बदल है, बहुत ज्यादा बादल हुए हैं, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश वगैरह आ रही है. और जुहान देखो जरा क्या कर रहे हैं, जुहान क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो. और अभी जो है मोहम्मद जुहान जी खिला रही है, अभी जो है मैं आलू वगैरह की कटिंग करती हूँ. नीचे हम लोग आ गए छत से और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम है. और यहाँ पे दिखाती हूँ कि मोहम्मद जुहान ने जो है वो राग लगाए हुए हैं, देख रहा है, रो नहीं रहा, वैसे बस देख के ना आवाज़ें निकाल रहा है. और अम्मी जी के पास माशाल्लाह से मोहम्मद जुहान जो है खेल रहा है. अभी अम्मी को हमने जो है वो आलू की चिप्स बना दी है और अभी अम्मी जो है वो आलू फ्राई करेंगी. तो बस फ्राई कर रही है अम्मी जी, दिखाती हूँ आपको. और मौसम जो है काफ़ी माशाल्लाह से प्यारा है. और बस मगरब की अज़ान भी अभी तकरीबन 5-6 मिनट में 7 मिनट में शुरू हो जानी है. और यहाँ पे दिखाती हूँ कि आयत क्या कह रही है. देखिए ज़रा आयत जो है वो खेल रही है. और यहाँ पे देखिए ज़रा, और यहाँ पे अम्मी जो है वो चिप्स फ्राई कर रही हैं. देखिए ज़रा माशाल्लाह से फ्राइज बहुत ज़बरदस्त बनी है. चिप्स फ्राई कर रही हैं अम्मी जी. यहाँ पे देखिए ज़रा अम्मी जी ने जो है वो चिप्स वगैरह फ्राई करके आयत को डाल दिए प्लेट में. और यहाँ पे आयत जो है वो चिप्स खा रही है. आयत चेक करके बताओ ज़रा चिप्स कैसी बनी है. वो एक गर्म थी, ठंडी करके खाते होते हैं, कैसी आए चिप्स. ज़बरदस्त है. आयत को जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई है चिप्स, और वैसे भी मज़े की होती है. आपको इसकी थोड़ी सी लुक दिखाती हूँ मैं चिप्स की. देखिए ज़रा माशाल्लाह, रात का टाइम है और अब मैं अपने इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ. आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आए. अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.